जिले से खबर है जहां मध्य विद्यालय प्रबंधन समिति और स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां छात्रों को किताब, बैग, स्पोर्ट्स किट नहीं मिलने का मामला उठ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एमडीएम में भी गड़बड़ी का मामला उठ रहा है। केला का गुड़ा मध्य विद्यालय, आज यहां विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षकों के बीच ठनी हुई है। प्रबंधन समिति ने प्रधानाध्यापक पर कई आरोप लगाए हैं। वाउचर जमा कर दिया है, कहां वाउचर तो है, लेकिन कुछ भी सामान अभी तक स्कूल में आया नहीं है। और खिलौना सामान जो है 5000 का, वो भी आया नहीं है। खिलौना मतलब खेल सामग्री, खेल सामग्री जो है 5000 रुपया का आने वाला था, वो भी आया नहीं। और एसएमसी का बैठक हम लोग जो है सूचना हेडमास्टर हम लोग को देता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे करके आके मीटिंग करेंगे। पहले मीटिंग हो रहा था, अभी अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रधानाध्यापक ने कहा है कि उन्होंने नियम संगत काम किया है और बच्चों के बीच सारी सामग्री बांटी है। उन्होंने सरकार के स्तर से किताब नहीं आने की भी बात कही है। तो हम वहां गए, हमको जो किताब देगा, दो बार गए हैं किताब लाने के लिए, दो का तीन बार गए हैं। तो एक बार चार क्लास का दिया, चार क्लास का जोन किताब जितना बच्चा का दिया है दे दिया। जो और किताब है वो आपको टीचर लाइन वो दिया है, कुछ का बाकी है वो दे दिया। स्कूल के तो पैसा भी जाएगा, गया ही नहीं, अभी तो सरकार भेजेगा, देश का सब कहीं नहीं करेगा। जिसका नहीं अकाउंट है उसका नहीं जा पाए होता होगा, लेकिन उसका भी आता है खाता में। कॉपी किधर? कॉपी किताब सब बच्चा को सरकार देगा तो उसको देंगे। बैग वाला चुनिए जो मिला है वो तो अलग बात है, लेकिन बुक जो नहीं मिला है ये बहुत ही निंदनीय चीज है, क्योंकि बिना बुक का हम लोग बच्चों को बहुत मुश्किल से मैनेज करके एक बुक को दो तीन बच्चों को बैठा के पास बता दीजिए। 4 और 6 का मिला है, जो क्लास का मिला है। और हाई अभी मिडिल क्लास का बच्चा को अगर बुक नहीं मिलेगा तो आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि छात्रों की शिक्षा और भोजन पर ध्यान दिया जाए। न्यूज 11 भारत के लिए सरायकेला से सुनील कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।